बसा लेती मुझे बेघर नहीं होता, अगर दिल में बसा लेती मुझे बेघर नहीं होता, मेरे सीने में यूं दिल की जगह पत्थर नहीं होता। तेरी यादें तेरी बातें तेरा किस्सा अगर ना हो, मेरी जाने वफा फिर मैं कभी शायर नहीं होता। मेरी जाने वफा फिर मैं कभी शायर नहीं होता। और पंक्ति सुने कि मैं जब सोता हूँ उठता हूँ तुम्हारी याद आती है, मैं जब रोता हूँ हंसता हूँ तुम्हारी याद आती है, मेरी धड़कन मेरे जज्बातों से वाकिफ है इस तरह, मैं जब जब सांस लेता हूँ तुम्हारी याद आती है, मैं जब जब सांस लेता हूँ तुम्हारी याद आती है। और पंक्तियां सुनेगी कि दुनिया में अगर चाहत के ये मौसम नहीं होते, तुम्हारी याद में आंखें हमारी नम नहीं होते, मेरे मौला मोहब्बत से अगर मैं बेखबर होता, मुकद्दर में यकीनन आज इतने गम नहीं होते, मुकद्दर में यकीनन आज इतने गम नहीं होते। अंदर में एक छंद सुना के अब अपना स्थान लेता हूँ। एक सौंदर्य वर्णन का छंद सुनिएगा कि धैर्य से जो देख लोगे चेहरे को उसके तो उसके ही इर्द गिर्द पूरा संसार है, धैर्य से जो देख लोगे चेहरे को उसके तो उसके ही इर्द गिर्द पूरा संसार है, आंख मृग नयन सी मुख पे भी राजे चंद्र अधरों पे जैसे कोई लोहित अंगार है, आंख मृग नयन सी मुख पे भी राजे चंद्र अधरों पे जैसे कोई लोहित अंगार है, उनके जो मुख से है निकली जो वाणी जैसे सारे वेद शास्त्रों का पूरा पूरा सार है। और सुनिएगा कि आपने सौंदर्य वर्णन की बहुत सारी कविताएं सुनी होगी, उसमें महबूबा की तुलना एक वस्तु के साथ की जाती है हर एक कविताओं में। मैंने एक मंजर के साथ एक घटना के साथ तुलना करने की कोशिश की है, प्रयोग सही लगे तो आपकी तालियां चाहूंगा। कि उनके जो मुख से है निकली जो वाणी जैसे सारे वेद शास्त्रों का पूरा पूरा सार है, और प्रेम को अगर शब्दों में ढाला जाए तो यूं कहिए कान्हा के लिए ही कोई मीरा की पुकार है, रूप को अगर शब्दों में ढाला जाए तो यूं कहिए कान्हा के लिए ही कोई मीरा की पुकार। बहुत बहुत शुक्रिया। रिकॉर्ड योर पोएट्री शायरी स्टोरी विद म्यूजिक ओनली ऑन नोजोटो ऐप। Download the app now.